यार यार, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेल पे किस तरह फार्मिंग की जाती है। ये रहा ये रहा, हाय हाय हाय, बेल में फार्मिंग कर रहे हो हाँ इस बेल, हाय हाय देख रहे हो। ओके यार पब्लिक, अभी टाइम आया खाद फैलाने का, तो खाद फैलाते हैं जल्दी जल्दी। ये पड़ी हुई खाद अंदर, ये ले आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया एक नया खूबसूरत ब्लॉग के अंदर। सो गाइस यार, आज के दिन का ये दूसरा ब्लॉग है, पिछला अपलोड भी किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा दिन में काम कर रहा हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा थकावट हुई है। खैर, पिछला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक आ जाइए, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसके बाद देख लेना ज़रूर। खैर, सीन कुछ ऐसा है कि आज सुबह से जो है हम अपने खेतों में क्या कहते हैं फार्मिंग कर रहे हैं। पिछले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो हम यहाँ पे सामने वाले खेत जो है मेरे घर के सामने उस पर हम फार्मिंग कर रहे थे, और उसके बाद फिर जो है हमने कुछ आलू वालू वगैरह निकाला, और मैं गया था पड़ी, वहाँ पे कुछ खाद वगैरह पड़ी हुई थी, ठीक है। उस खाद को मैंने फैलाया, अभी जाना है हमने चक में, ठीक है। चक में जाना, वहाँ पे अभी ट्रैक्टर आया हुआ है और वहाँ पे भी अभी फार्मिंग कर ली, शायद अभी आए या ये मतलब कि डन नहीं है यार कि अभी आए या कल आए, अपने क्या सीन सपाटा है। लेकिन आलू वालू सब कुछ जो है नौफल लेके गया, ठीक है, नौफल भी आया था स्कूल से, और वो आलू वालू सब कुछ लेके गया ऊपर, और हम भी अभी जा रहे हैं। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं वहाँ पे। और वहाँ जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर ऑल में कर देना, ताकि जो भी न्यू ब्लॉग्स में अपलोड होंगे आप तक पहुँचते रहे। टाना ना 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 टाना ना ना ना, 1 घंटे हो तुम अभी अभी यहाँ पहुँच रहे, तू बराबेश्वर में यार तू है। देखो यार ऐसे कितना खूबसूरत लग रहा है, बर्फ बर्फ निकल जाती है ना, ग्रीनरी आ जाती है, कितना खूबसूरत लगता है माहौल, फुल ग्रीन ग्रीन हुआ हुआ है माहौल। जाए जाए, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेल पे किस तरह फार्मिंग की जाती है। ये रहा ये रहा, हाय हाय हाय, बेल में फार्मिंग कर रहे हो इस बेल, हाय हाय देख रहे हो, ये तगड़ा बेल है। और तेरी खैर, क्या हाल है चाचू जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा आजा, तू भी आजा, उसको लगा दे सबसे एंड पे। खैर यार, बेल में किस तरह की जाती है, तो कहीं अगर मुझे दिखा तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। अच्छा, तो पब्लिक अभी सीन ऐसा है, तो लास्ट उस खेत में और ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है इधर हमारे खेत में आएंगे, ठीक है। ये 3-4 खेत अच्छे तक हमारे और मिश्रा चाचू के खेत और हमारे बड़े चाचू उनके खेत वगैरह यहाँ पे हैं, तो उन खेतों में आएंगे। तभी मैं काम करता हूँ, जल्दी जल्दी ऊपर चलता हूँ अपने खेत में, और वहाँ पे जो है खाद है उसको मैं फैलाता हूँ, आर्टिफिशियल खाद। ओके यार पब्लिक, अभी टाइम आया खाद फैलाने का, तो खाद फैलाते हैं जल्दी जल्दी। ये पड़ी हुई खाद अंदर, तो ये ले आए, लो फिर जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं आपका। Five minutes later. हो गया पब्लिक, ट्रैक्टर हमारे खेत में आ गई है, और अभी वहाँ पर खड़ी हुई, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे पूरी। ओके पब्लिक, दो खेत हमारे कंप्लीट हो गए ऊपर के, और अभी ये तीसरा खेत है, इसमें भी ट्रैक्टर पहुंच गए। अब इंशाल्लाह ये भी जो है तकरीबन आधा घंटे के अंदर ये भी ख़त्म हो जाएगा, और अब्बू भी आ गए स्टोर से, कर रहे भाई ये ले, अब्बू भी आ गए स्टोर से। लो जी पब्लिक, लास्ट खेत हमारा, खेत की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। लुक एट दिस, क्या धुएं ही धुएं निकाल रहा है यार ये। लो जी पत्थर वत्थर भी निकालते हुए, माशाल्लाह बड़ी
अच्छी जो है ये कर रहा है यार काफी। ये रही ये पत्थर नीचे फंसा हुआ है, वो देखो ये पत्थर, दो तीन, एक दो दो, और ये तीसरा इधर है, ये अभी निकला नहीं सही से, निकल जाएगा थोड़ी देर में, अगली जो है ट्राई में ये निकल जाएगा। और एक एक इधर निकला हुआ ये रहा, ओके यार पब्लिक, तो अभी सीन ये था, ट्विटर वाला सारा सीन हमने ख़त्म कर दिया है, अभी फ़िलहाल जो है प्लान वाला सीन रहता है। ठीक है, प्लान किस तरह करते हैं उसके लिए मैंने एक अलग सा ब्लॉग बनाया हुआ है, पहले वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, दोबारा मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें सारा सीन था, रिव्यू भी करने में मैंने आपको बताया हुआ। फिर अभी जो है इस खेत में ये वाला जो खेत थे, ठीक है, वो वहाँ आगे तक इस खेत के अंदर जो है आलू डालने, तो अभी फ़िलहाल इस पर जो है आलू डाले जा रहे हैं, फिर आलू डालने के बाद फिर इसको भी प्लान किया जाएगा। आलू कैसे डालते हैं वो भी मैंने बताया हुआ, खैर यार सब कुछ मैं डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि इसके लिए मैंने सारे ब्लॉग बनाए हुए, हर चीज़ का मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ, ठीक है, तो हर ब्लॉग में वही एक ही टाइप की चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा, तो फिर ये अजीब सा लगता है फिर, ठीक है, तो सारे सिस्टम जो है मैंने प्लान करने का, ठीक है, और आलू डालने का, गंदम डालने का, खाद डालने का, सारा जो है मैंने ब्लॉग बनाए हुए, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखे फार्मिंग रिलेटेड मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, अब वो सीरीज इंजॉय कर लें क्योंकि मैंने सब कुछ बनाया हुआ। क्या ये था हमारा आज का शो, थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो आप बता देना, तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि ब्लॉग कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं कल, मैं दुआ में ज़रूर याद रखना, अल्लाह हाफिज़।